वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में 2024-25 के लिए बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और पूर्ण बजट था। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए भी कई अहम घोषणाएं की। रेलवे का कायापलट करने के लिए 2.4 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो आइए जानते हैं रेलवे बजट से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा रेल बजट है। इस बार का रेल बजट साल 2013-14 में रेलवे को दिए गए पैसे का करीब 9 गुना ज्यादा है। रेलवे को 2.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनसे रेलवे तमाम योजनाओं पर काम करेगा। वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए ऐलान करते हुए कहा कि देश भर में 100 नई योजनाओं की शुरुआत होगी। इसके अलावा नई योजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। बता दें कि बजट से पता चला है कि रेलवे का शुद्ध राजस्व व्यय 2,65,000 करोड़ रुपए रखा गया है, जबकि संशोधित अनुमान यानी कि RI 2022-23 में ये 2,42,892.77 करोड़ रुपए था। इस साल के बजट में अनुमान में रणनीतिक लाइनों के संचालन पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति 488.51 करोड़ रुपए रखी गई है। वहीं यात्री, माल, अन्य कोचिंग और रेलवे भर्ती बोर्ड के राजस्व प्राप्त करने वाली रेलवे की कुल प्राप्ति बजट अनुमान में 2,65,000 करोड़ रुपए रखी गई है, जबकि 2022-23 के संशोधित अनुमान में 2,42,892.77 करोड़ रुपए है। बजट में ग्राहकों की सुविधाओं के लिए 500 करोड़ रुपए की लागत वाली रेलवे स्टेशन परियोजनाओं के साथ मेट्रो स्टेशन का एकीकरण शामिल है। रेलवे के लिए रोलिंग स्टाफ का आवंटन संशोधित अनुमान 2022-23 के 15,157.86 करोड़ रुपए से लगभग दोगुना होकर यानी कि 37,581 करोड़ रुपए हो गया है। आपको बताते चलें कि यात्रियों की बढ़ती उम्मीदों के साथ रेलवे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के 1,000 से अधिक कोचों के नवीनीकरण की योजना बना रहा है। इन कोचों के अंदरूनी हिस्सों में आधुनिक लुक के साथ और बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए सुधार किया जाएगा। बता दें कि तेज गति से चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों के पटरी पर आने के साथ ही ट्रैक नवीनीकरण के लिए आवंटन को पिछले साल की तुलना में बढ़कर इस वर्ष 17,296.84 करोड़ रुपए कर दिया गया है। बता दें कि केंद्र बजट में रेलवे को 1.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसमें 1.37 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए और 3,267 लाख रुपए राजस्व व्यय के लिए निर्धारित किए गए थे।